हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं मुंह में घुल जाने वाले ये ब्रेड मलाई रोल। बहुत ही इजी रेसिपी है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम खोआ बनाएंगे। आप चाहे तो रेडीमेड खोआ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम फटाफट से इसे ऐसे बना लेंगे। तो मैंने ले लिया है आधा कप दूध और उसमें डाल दिया है एक कप मिल्क पाउडर। इन सबको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और जब ये गाढ़ा होने लगेगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच देसी घी और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये खोए की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। और बस 10 से 12 मिनट में हमारा घर पर खोआ तैयार हो जाएगा। तो इस खोए से हमें बनाना है मलाई ब्रेड रोल। तो इसमें अब हम डाल देंगे चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से रखें, मैंने इसमें थोड़ा सा ही चीनी ऐड किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा इसे नहीं बनाना था। और साथ ही इसमें डाला है केसर। अब इन सबको भी एकदम बढ़िया से पका लेंगे। और लास्ट में, ये टोटली ऑप्शनल है ड्राई फ्रूट्स डालना, अगर आप डालना चाहते हो तो डालें वरना ये एकदम तैयार है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए अलग कर देंगे। और अब इसी पैन में हम वापस से डालेंगे 2 कप दूध और जब दूध में बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी, ड्राई फ्रूट्स और केसर। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। और वापस से मीठा अपने हिसाब से डालें। और बस इन सबको हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि ये 2 ग्लास दूध 1 ग्लास ना हो जाए। हमें इसे गाढ़ा करना है थोड़ा। और 10 से 12 मिनट में दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और केसर का रंग भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसे हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ये वाइट ब्रेड। इसके पहले साइड्स को हम अलग कर देंगे। उसके बाद ब्रेड को बेल के हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि ये अच्छे से रोल हो सके। और इसमें डालेंगे हम खोआ जो हमने भी बनाया था। ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसे रोल करेंगे और साइड में लगाएंगे हम थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से प्रेस करके इसे हम एक ट्रे में रख लेंगे। पानी लगाने से ये खुलेंगे नहीं। पानी की जगह आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और बस ऐसे ही हम सारे रोल को तैयार कर लेंगे। और बस ऐसे ही मैंने सारे रोल्स को तैयार कर लिया है। इसे एक ट्रे में रख लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे जो दूध हमने तैयार किया था केसर वाला। ऊपर से इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करेंगे। आप गार्निशिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और बस तैयार है टेस्टी से मलाई ब्रेड रोल्स। ड्राई फ्रूट्स डालना टोटली ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट्स के बिना भी ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और बस आधे घंटे में मुंह में घुल जाने वाले ये मलाई ब्रेड रोल हमारे तैयार हैं। खाने में ये बहुत ही यम है। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।